नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ चेल्सी सिंह। ज्योतिष विज्ञान के विशेष कार्यक्रम नक्षत्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, हमारे शास्त्रों में ज्योतिष का बहुत बड़ा महत्व रहा है और ग्रहों और नक्षत्रों का व्यवहार आपके जीवन को प्रतिकूल और अनुकूल बनाता है और इन्हीं ग्रहों और नक्षत्रों की दिशा को आपके जीवन में सरल और अनुकूल बनाने का काम करता है ज्योतिष विज्ञान। ज्योतिष आपके भौतिक जीवन में आने वाली सभी समस्याओं का निदान है और इसी को बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य डॉक्टर आचार्य मनोज नैयर जी। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद चेल्सी जी आपका। भारत एक्सप्रेस के सभी दर्शकों को मेरा हार्दिक प्रणाम। बिल्कुल, बहुत सारी जानकारी आप तक पहुंचाने वाले हैं। आप देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम नक्षत्र। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बात करेंगे आज का दिन आपके लिए कैसा रहने वाला है, आज क्या करें और क्या ना करें, आपका लकी नंबर क्या है, साथ ही साथ कैसा होगा आपके भाग्य का मीटर, उसको लेकर भी चर्चा करेंगे। और साथ ही यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के बारे में। तमाम सारी जानकारी आप तक पहुंचाने वाले हैं, आचार्य जी से सवाल करने वाले हैं और आप लोगों के भी सवाल इस कार्यक्रम में जरूर लेने वाले हैं। सबसे पहले कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे आज के राशिफल को लेकर। पहली चार राशियों जो कि मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क, और आचार्य जी से जानेंगे इन चार राशियों का आज का राशिफल। मेष राशि वाले, आज आपको धन, यश, मान सम्मान सभी की प्राप्ति होगी। परिवार में कोई मांगलिक कार्य करने की भी आज योजना बन सकती है। चींटियों को आटा डालना आज आपके लिए विशेष फलकारी है। भाग्यशाली संख्या है 7 और भाग्य का मीटर आज 90% आपको सहयोग करने जा रहा है। वृषभ राशि वाले, आज धन की हानि के योग हैं। कोई आपका अपना आज आपको धोखा देकर आपसे धन हड़प सकता है, इस चीज का विशेष ध्यान रखिए। ओम नमः शिवाय का जाप आज करते रहिए। भाग्यशाली संख्या है 5 और भाग्य का मीटर आज 55% आपको सहयोग करेगा। मिथुन राशि वाले, आज जीवन साथी और परिवार, बच्चे सब आपको सहयोग और प्रेम देने जा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से आपसी कटुता जो चल रही थी आज समाप्त हो जाएगी। मंदिर में दूध का दान करना विशेष फलकारी है। भाग्यशाली संख्या है 8 और भाग्य का मीटर आज 85% सहयोग करेगा। कर्क राशि वाले, आज आपको मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। कोई सामाजिक कार्यक्रम में आज आपको विशेष सम्मान भी प्राप्त होगा। धन के बहुत अच्छे योग हैं। भाग्यशाली संख्या है 7 और भाग्य का मीटर आज 90% सहयोग करेगा। तो बिल्कुल, यहाँ आचार्य जी ने पहली चार राशियों के बारे में बताया, उनका आज का राशिफल बताया। लेकिन दर्शकों, अगर आप लोगों के कोई सवाल हैं और आप यहाँ पर भेजना चाहते हैं तो उसके लिए सिर्फ आपको एक छोटा सा काम करना है, वो ये कि लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर मेल आईडी फ्लैश हो रही है, इसी मेल आईडी पर आप मेल कर सकते हैं, जो भी आपकी डिटेल्स है वो भेज सकते हैं। और यहाँ आचार्य जी आपको बताते हैं कि आखिर आपके जीवन में जो समस्या चल रही है, जो कष्ट आ रहे हैं, बाधाएं आ रही हैं, उनका क्या कारण है। और कारण के साथ साथ दर्शकों, अगर हम उनका उपचार करते हैं, उनका समाधान करते हैं, तो वो समस्या हमेशा हमेशा के लिए पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। तो बिल्कुल देर मत करिए और हमारी कोशिश भी यही रहती है कि आपके सवाल हम अपने सेशन में जरूर लें। आचार्य जी, यहाँ पर मधु हैं जिनका मेल आया हमारे पास, ये भागलपुर बिहार से हैं। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 16/2/1991 और समय है 10:23 सुबह का। इनका प्रश्न है कि मेरे हस्बैंड डेली ड्रिंक करके आते हैं और लड़ाई झगड़े होते हैं, यहाँ तक कि मारपीट भी करते हैं, ऐसे में क्या उपचार करना चाहिए। ये कुंडली आपने अपने पतिदेव की भेजी है या अपनी भेजी है, इसका आपने शायद नहीं बताया है। आइए हम इसको आपकी कुंडली के हिसाब से इसका विवरण करेंगे। ये जो कुंडली है वो मेष लगन और कुंभ राशि की है और आपने बताया कि आपके पति जो हैं बहुत अधिक मदिरा लेते हैं, शराब पीते हैं और घर में उससे बड़ी परेशानियां उत्पन्न हो रही हैं। तो उस स्थिति को हम देखते हैं। सप्तम भाव की स्थिति को यदि हम देखें तो वहाँ पर शुक्र की राशि उदित होती है और शुक्र इस कुंडली में 11वें भाव में विराजमान है, जो कि स्थिति आपकी जो बन रही है वो इतनी ख़राब नहीं बन रही, लेकिन चंद्रमा के साथ हैं। चंद्रमा जो कि जल का कारक है और शुक्र के परम शत्रु हैं, इस वजह से उनको ये दिक्कत महसूस कर रहे हैं और ये चीज़ उनको बहुत बढ़ रही है। आइए हम उसका आपको उपाय बता देते हैं। उपाय ये है, जब आपके पति सो रहे हों
तो काले तिल डालकर एक आटे का पेड़ा बना लें और उनकी पूरी बॉडी से उसको 7 बार घुमा दें और जिस मदिरा का वो सेवन करते हैं उस बॉटल को भी साथ में घुमाएं और रात्रि के समय उसे किसी चौराहे पर छोड़ आएं चुपचाप अंधेरे समय में, जब कोई आपको ना देखे। और जब वापस आप आए तो पीछे मुड़कर मत देखिएगा। 7 शनिवार लगातार इस उपाय को आप करें, बहुत जल्द उनकी ये लत छूट जाएगी। बिल्कुल, उम्मीद करते हैं आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। जिस तरीके से उपचार यहाँ आचार्य जी ने बताए हैं अवश्य करिएगा, जल्द ही आपकी समस्या का समाधान होगा। आगे दर्शकों बात करेंगे सिंह कन्या तुला वृश्चिक राशियों को लेकर और आचार्य जी से जानेंगे इन 4 राशियों का आज का राशिफल। सिंह राशि वाले, आज आपके रुके हुए पिछले दिनों के कुछ कार्य आज पूर्ण होंगे। जो लोग व्यापारी हैं उन्हें आज बड़े धन के ऑर्डर मिलेंगे और हनुमान चालीसा का पाठ करना आज आपके लिए विशेष फलकारी है। भाग्यशाली संख्या है 5 और भाग्य का मीटर आज 85% सहयोग करेगा। कन्या राशि वाले, आज वाद विवाद का योग है, किसी से बेकार की बहस में मत पड़िएगा अन्यथा आपका समय व्यर्थ चला जाएगा। गरीबों को चावल का दान करना शुभकारी है। भाग्यशाली संख्या है 2 और भाग्य का मीटर आज 55% सहयोग करेगा। तुला राशि वाले, संतान की ओर से आज आपको विशेष खुशी प्राप्त होने जा रही है। आज आपकी संतान कुछ ऐसा कार्य कर सकती है जिससे आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। माँ पार्वती के दर्शन करना विशेष फलकारी है। भाग्यशाली संख्या है 9 और भाग्य का मीटर आज 90% सहयोग करेगा। वृश्चिक राशि वाले, जो लोग व्यापार में हैं आज उन्हें बड़ी डील्स मिलेंगी, बड़े ऑर्डर प्राप्त होंगे और रुका हुआ धन आज आपका लौटने जा रहा है। अपने कुलगुरु का आशीर्वाद लें। भाग्यशाली संख्या है 4 और भाग्य का मीटर आज 85% आपको सहयोग करने जा रहा है। तो बिल्कुल यहाँ आचार्य जी ने अन्य 4 राशियों के बारे में बताया, उनका आज का राशिफल बताया। दर्शकों नक्षत्र की सीरीज की हम बात करें और ऐसे में आज हम बात करने वाले हैं उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के बारे में। आचार्य जी, सबसे पहला सवाल, जो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के जो जातक होते हैं ये कैसे होते हैं और इनकी जीवन शैली की बात करी जाए तो कैसी होती है और इनका स्वास्थ्य की दृष्टि से भी देखा जाए तो भी अवश्य हमारे दर्शकों को जरूर बताइए। धन्यवाद चेल्सी जी आपका। नक्षत्र सीरीज में आज हम बात करेंगे उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के जातकों के बारे में, कैसे होते हैं ये लोग, आइए जानते हैं। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के लोग बहुत ही लोकप्रिय होते हैं क्योंकि ये उच्च उज्ज्वल भविष्य वाले होते हैं, प्रतिभाशाली होते हैं, बहुत बुद्धिमान और मेहनती होते हैं, हर काम करने में माहिर होते हैं। ये दूसरों के साथ बहुत अच्छी तरह से व्यवहार करते हैं क्योंकि ये आत्म केंद्रित होते हैं, ये दूसरों की कड़ी मेहनत की भी सराहना करते हैं। इस वजह से आसानी से सब जगह ये लोकप्रिय हो जाते हैं और अपना ध्यान सभी की ओर आकर्षित कर लेते हैं। ऐसा करने से इनका समाज में इनको ख्याति प्राप्त होती है, ये दूसरों से अच्छी दोस्ताना और अच्छे संबंध बनाने में माहिर होते हैं क्योंकि ये लोग स्वभाव से बहुत ही मिलनसार प्रवृत्ति के होते हैं। इस प्रवृत्ति की वजह से कई बार इनको कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ता है क्योंकि ये दूसरों से अपना स्वभाव ऐसा सहज रखते हैं लेकिन सामने वाला उस चीज़ को पूरा फुलफिल नहीं करता। इसलिए किसी को भी ये गलत कार्य कभी नहीं करने देते, हमेशा अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं और ये किसी की परवाह नहीं करते। यदि इन्हें कोई काम गलत लगे तो उस व्यक्ति को उसके मुँह पर बोल देते हैं कि आप गलत कर रहे हैं। इस वजह से कई बार इनकी आपसी संबंध बिगड़ते हैं। इसे इनको इन बातों से सावधान रहना चाहिए अन्यथा इनके शत्रु भी उत्पन्न हो जाते हैं। जहाँ तक व्यावसायिक प्रस्तावों की बात करें तो उन्हें सभी प्रकार की संभावनाओं का मूल्यांकन करके जीवन में आगे बढ़ना चाहिए अन्यथा ये जल्दबाजी में कार्य करते हैं और किसी पर भी भरोसा कर लेते हैं और वो व्यक्ति इन्हें धोखा भी दे सकता है। इनको विवादों से दूर रहने की सलाह दी जाती है कि बहुत जल्द इनके विवाद खड़े हो जाते हैं, विवादों से इन्हें बचना चाहिए। जहाँ तक इनकी अनुकूलता की बात करें तो इनका वैवाहिक जीवन बहुत ही अच्छा होता है, ये अपने पार्टनर के साथ ये बहुत प्रेम से रहते हैं और बहुत ही एक दूसरे पर विश्वास बनाए रखते हैं
और अपने परिवार के लोगों के साथ दिन का सामंजस्य बहुत होता है, अच्छा होता है। और अपने पिता, अपने भाई बहन, अपनी माता जी के साथ भी आजीवन इनका प्रेम बना रहता है। इनके लिए हर स्थिति में अपने आप को बाहर निकालना इनके बड़ा आसान होता है। जीवन साथी का स्वास्थ्य इनके लिए एक बड़ी चिंता होती है, क्योंकि इनके जीवन साथी में देखा गया है कि उनको कोई ना कोई रोग पकड़ लेता है। इस चीज़ का इन्हें विशेष ध्यान रखना चाहिए। और जहाँ तक इनकी बात है, इन्हें हड्डियों के रोग और चोट लगने की संभावना रहती है। इन्हें वाहन बहुत ध्यान से चलाना चाहिए। बहुत बार देखा गया कि एक्सीडेंटल योग इस नक्षत्र के लोगों के बहुत अधिक होते हैं। बिल्कुल आचार्य जी, तमाम सारी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर आचार्य जी ने उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के बारे में बताया, कैसे होते हैं ऐसे जातक, उनकी विशेषताएं, उनका स्वास्थ्य कैसा होता है, सारी चीज़ें यहाँ पर आचार्य जी ने बताई हैं। आगे दर्शकों बात करेंगे धनु, मकर, कुंभ और मीन राशियों को लेकर, और आचार्य जी से जानेंगे इन चार राशियों का आज का राशिफल। धनु राशि वाले, आज का दिन सावधानी बरतें। कोई आप पर झूठा इल्जाम लगाकर अपनी प्रतिष्ठा बढ़ा सकता है और आपकी प्रतिष्ठा कम कर सकता है। गायत्री मंत्र का जाप करना आज अच्छा है आपके लिए। भाग्यशाली संख्या है 1 और भाग्य का मीटर आज 65% आपको सहयोग करेगा। मकर राशि वाले, आज आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। ऑफिस में बॉस की मेहरबानी से आज आपको प्रमोशन भी मिल सकता है। राम जी के दर्शन करना विशेष फलकारी है। भाग्यशाली संख्या है 5 और भाग्य का मीटर 90% आपको सहयोग करेगा। कुंभ राशि वाले, आज आप कुछ नया रचनात्मक करने जा रहे हैं जो आगे जाकर आपके लिए बड़ी उपलब्धि साबित होगा। गणेश जी को लड्डू का भोग लगाना विशेष फलकारी है। भाग्यशाली संख्या है 3 और भाग्य का मीटर आज 85% सहयोग करेगा। मीन राशि वाले, धन संबंधित सभी चिंताएं आज समाप्त होंगी। रुका हुआ धन आज आपका लौट कर आएगा। बाल हनुमान के दर्शन करना विशेष फलकारी है। भाग्यशाली संख्या है 4 और भाग्य का मीटर 90% आपको सहयोग करेगा। आगे बर्थडे टिप्स में बात करेंगे, जिनका भी आज जन्मदिन है उन्हें कौन सा टिप्स फॉलो करनी है। जिनका भी आज जन्मदिन है उन्हें हमारी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आज गौशाला जाकर गौ माता को गुड़ खिलाएं, उनका आशीर्वाद लें। यदि ऐसा करेंगे तो पूरा वर्ष खुशियां और सफलताएं आपको प्राप्त होंगी। मैरिज एनिवर्सरी टिप्स में बात करेंगे, जिनकी भी आज शादी की सालगिरह है उन्हें कौन से टिप्स फॉलो करनी चाहिए। जिनकी भी शादी की सालगिरह है उन्हें हमारी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आज मंदिर के बाहर बैठे कम से कम 5 बुजुर्गों को दूध भेंट कर उनका आशीर्वाद लें। यथाशक्ति अधिक कर सकते हैं तो और अधिक करें। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपस का प्रेम बढ़ेगा, परिवार में खुशी आएंगी और जीवन में सुमंगल ही सुमंगल होगा। अवॉइड ऑफ द डे में बात करेंगे, आज के दिन आपको कौन सी चीज कंप्लीटली अवॉइड करनी है। अवॉइड ऑफ द डे में आज के दिन हमें बैंगन खाने का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना, जो कि भारत में बहुत अधिक किया जाता है। आज इसे अवॉइड करें, ये आपके लिए निष्ठकारी है। टिप्स ऑफ द डे में बात करेंगे कुछ ऐसे टिप जो आप सभी लोगों के लिए लाभदायक साबित होगी। टिप्स ऑफ द डे में आज गरीबों को यथाशक्ति अधिक से अधिक पीली चने की दाल भेंट कर उनका आशीर्वाद लें। यदि ऐसा करेंगे तो पूरा दिन बहुत ही योगकारी, मंगलकारी और कल्याणकारी आपका गुजरेगा। इसी के साथ ही दर्शकों समय हो गया आपसे विदा लेने का। आचार्य जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद चेल्सी जी आपका। भारत एक्सप्रेस के सभी दर्शकों को मेरा हार्दिक प्रणाम। भारत एक्सप्रेस के सभी दर्शकों को शुक्रिया लगातार हमारे साथ बने रहने के लिए, इतना प्यार और सहयोग के लिए। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, कल फिर जानेंगे आपका भविष्य और आपका राशिफल। तब तक के लिए आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। नमस्कार।